हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। UP SSC PET की अपडेट के लिए बैंकिंग, रेलवे, NTPC, UPPCS, RO ERO हर किसी की सबसे पहले अपडेट के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, UP SSC PET की अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर, तो UP SSC जो है PET का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। 20-25 दिन तो कोई भी चांसेस नहीं है इसके, ना कोई इसकी वो दिख रहा है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, पहली बात, रिजल्ट से पहले जो है एक री आंसर की आएगी। अभी आपने जो ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्या उसकी री आंसर की नहीं आएगी? अभी पहले उसकी री आंसर की आएगी, उसके बाद ना रिजल्ट की कोई बात की जाएगी। और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि 1 या 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। पहले आपको री आंसर की देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर जब री आंसर की से नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन जो लगवाया है और लोग बागों ने ऑब्जेक्शन लगाया, क्या उसकी री आंसर की नहीं आएगी, तो पहले वो आएगी और उसके बाद ही फिर रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे अगर लेखपाल की, तो देखिए लेखपाल में जो है, लेखपाल की बहुत लोग कह रहे हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अबे ढक्कनों, पहली बात तो ये, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी लेखपाल का देखने को कहीं नहीं मिला कि कट ऑफ इतनी जाएगी या उतनी जाएगी। जितनी भी कट ऑफ जाएगी, अभी आप तसल्ली रखिए, पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए लेखपाल का। अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं। कुछ लोग कह रहे थे अभी रिजल्ट आ जाएगा, अभी भर्तियाँ होने लगेंगी, क्रैश कोर्स चलने लगे लेखपाल के, पैसे जमा हो गए। ठीक है, पढ़िए, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो अच्छी बात है, आज नहीं कल आपको पढ़ना ही है। लेकिन फर्जी पढ़ने की बातों में ना पढ़ें कि 80 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ, ठीक है जाएगी तो अच्छी बात है, जाए। लेकिन जब तक आप बिल्कुल प्रूफ के साथ तो नहीं कह सकते ना, कहीं भी UP SSC जो PET का एग्ज़ाम हुआ उसकी नोटिफिकेशन में कहीं लिखा है कि इस एग्ज़ाम के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी या उतनी कट ऑफ, नहीं ना। तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद वो चीज़ डिक्लेयर होगी कि कितनी कट ऑफ बनने वाली है ना, कितनी कट ऑफ से लेंगे। और एक और चीज़ फर्जी चला दी, लेखपाल के 10,000 पद अधिचयनित हो गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पद अधिचयनित नहीं हुए हैं कि 10,000 ऐसा बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अभी कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं है, अभी लेखपाल की भर्तियाँ कब तक देखने को मिलेंगी ये भी चीज़ कोई कन्फर्म नहीं है। जब PET का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो अब क्या मान के चला जाए हैं? अभी तो री आंसर की आएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुंह, बहुत सारी बातें, तो सबकी बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, जब ना रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आगे बढ़ें, नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद ही लेखपाल की देखें। ठीक है, अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।